हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो है जो हमारा फाइबर टू फैब्रिक था, बेसिकली हम लोगों को फाइबर का जो है बेसिक नॉलेज चाहिए था, जिसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो को देखा था। तो उस प्रीवियस वीडियो में जो है काफ़ी कुछ कवर किया गया था बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस चैप्टर को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम बेसिकली शुरुआत करेंगे सिंथेटिक फाइबर से, फिर हम लोग चलेंगे प्लास्टिक्स पे। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म है सिंथेटिक एंड फाइबर, सिंथेटिक एंड फाइबर। तो फाइबर के बारे में हम लोग पीछे से ही जानते आ रहे हैं कि फाइबर जो होता है वो किसी भी फैब्रिक का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और उसी से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब यहाँ पे फैब्रिक क्या होता है, इसलिए बोला गया था कि आप लोग जब प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो ये सारा कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो ये चैप्टर आप काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, जो फैब्रिक होता है वो बेसिकली पीसेज ऑफ क्लॉथ होता है। तो अब यहाँ पे हमारा टर्म है फाइबर, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारा टर्म है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, मीन्स जिसको हम लोग बना सकते हैं, जो मैन मेड हो, जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, सिंथेटिक होता है। मतलब यहाँ से क्या पता चला, जो सिंथेसाइज फाइबर होगा, मीन्स जिसको हम इंडस्ट्रीज में मैन के द्वारा बनाया जाता होगा, उसी को उसी फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत पड़ी क्यों, जबकि हमारे पास नेचुरल फाइबर तो है, फिर हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो अब देखिए, जो नेचुरल फाइबर है वो जो उसका जो कॉस्ट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो उतने पॉपुलेशन के लिए सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमको कुछ न कुछ ऑप्शंस चाहिए थे, और उसी ऑप्शंस के रूप में हम लोगों ने सर्च किया, ढूंढा इस सिंथेटिक फाइबर को, जो कि कॉस्ट में भी कम होता है, उसको हम आसानी से बाय भी कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार से, एंड साथ ही साथ ये पॉपुलेशन के नीड को फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं। तो यही रीज़न था कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसको सर्च किया गया। तो ये तो हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर हमको सर्च करना क्यों पड़ा, क्योंकि अब ये जो क्लॉथ होता है, क्लॉथ तो हम हर एक सीज़न में पहनते हैं, समर हो, विंटर हो, रेनी सीज़न हो, और सब में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। साथ ही साथ जो हमारा फेस्टिवल होता है, कोई सा पार्टी होता है, उसके लिए भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इतने सारे ओकेजन्स हैं और इसमें हमको क्लॉथ्स की नीड है, तो इस नीड को फुलफिल करने के लिए सिर्फ नेचुरल सोर्स जो है वो ही काफ़ी नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन चुना, और उसी ऑप्शंस के रूप में हमारे सामने आया सिंथेटिक फाइबर, जिसको हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, लैब में डेवलप किया था। ठीक है, तो ये था हमारा जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। वैसे हमने इसका मीनिंग देख लिया, अब एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज यूजिंग डिफरेंट केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मतलब एक ऐसा फाइबर जो कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, मीन्स ऐसा बोल सकते कि ये मैनमेड होता है, और इसका फैक्चरिंग कहाँ पे होता है, वो होता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, और इसको जो हम लोग बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, वो डिफरेंट केमिकल की हेल्प से करते हैं, तो उसी फाइबर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफ़ी, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो देखने में जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसी की तरह दिखते हैं। जैसे कि आप लोग जब मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे जब क्लॉथ्स बाई करते होंगे तो वहाँ पे आपको टू कैटेगरीज मिलता होगा, एक जो क्लॉथ है जिसका प्राइस हाई रहता है, एक जो क्लॉथ है जिसका प्राइस लो रहता है।
तो इसका मतलब क्या हो, जो नेचुरल जो हमारे पास फाइबर आता है वो थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ जाता है। इस कारण से जो नेचुरल क्लॉथ होता है, नेचुरल फाइबर से बना हुआ क्लॉथ रहता है, उसका प्राइस क्या रहता है, हाई रहता है, जो कि कभी कभी क्या होता है हमारे बजट से बाहर भी होता है। लेकिन जहाँ की हमको कपड़े की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमको बजट वाला जो क्लॉथ होता है वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है। वो बेसिकली क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो हमको चीपेस्ट प्राइस पे वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जो लगभग लगभग देखने में जो ना वो सेम सेम ही सा लगता है, लेकिन दोनों में क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है, साथ ही साथ उसमें प्राइसेस का भी डिफरेंस होता है। जो हमारा नेचुरल फाइबर से बना हुआ क्लॉथ होगा उसको क्वालिटी भी अच्छा होगा, उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियली बना होगा उसका क्वालिटी थोड़ा सा लो होगा एंड उसका प्राइस भी क्या होगा, लो होगा। क्योंकि अब ये जो क्लॉथ है वो तो सिर्फ हायर क्लास वालों के लिए ही नीडेड नहीं है, जो लोअर क्लास है उनके लिए भी नीडेड है। तो इन्हीं सब के लिए जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक फाइबर सर्च किया गया, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर के नेम से जानते हैं, और आज के समय में इसका बहुत ही यूज अमाउंट में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर जिस मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर देखिए बेसिकली क्या होता है, जो ये जो पॉलीमर्स बनते हैं वो एक लूप होता है हमारे पास, और उस लूप में जो छोटा सा होल होता है और उसी लूप को हम क्या करते जाते हैं, एक दूसरे से लिंकेज करते जाते करते जाते करते जाते हैं, और ये एक चेन जो है ना बना लेता है। थाउजेंड्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेन बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। कुछ इस तरीके से देखिए, हमारे पास जो है एक लूप होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लूप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, एक और लूप को जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने एक और लूप को जोड़ दिया। इसी तरीके से हम आगे की ओर जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो ये क्या होगा, एक लंबा सा चेन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लंबा सा चेन बन जाएगा, और यही जो एक लंबा सा चेन बन के आता है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। इसको हम लोगों ने क्या बोला, पॉलीमर्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। अब ये जो सिंगल लूप होता है, क्या होता है, सिंगल लूप होता है, जैसे कि ये जो एक सिंगल लूप हो गया ये हमारा क्या हो गया, मोनोमर्स। क्या कहलाता है, ये मोनोमर्स। और यही जो मोनोमर्स होता है, जब थाउजेंड्स ऑफ नंबर में एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं, लिंक होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और एक लंबा सा चेन बन जाता है, तो वही क्या कहलाता है हमारा, पॉलीमर्स। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं, मोनोमर्स की हेल्प से। मतलब पॉलीमर्स का जो बेसिक यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स। जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो किसी न किसी मोनोमर्स से मिलके जरूर बने होंगे, चाहे वो नेचुरल फाइबर हो या फिर सिंथेटिक फाइबर हो, ठीक है। इसको याद रखना है, जो सिंगल यूनिट होता है जिससे मिलके एक लंबा चेन बनता है और जिसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, वो जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट में निकल के आता है लिंक होने के बाद उसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन मेड अप फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। बताया था ना, ये बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, और उसी स्मॉल मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स, और जो हमारे पास एक ह्यूज मॉलिक्यूल निकल के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे लिए अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि आप पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रेयन के बारे में, नायलॉन के बारे में, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है, आप लोग तैयार हैं। चलिए देखिए, कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। मैंने बताया था ना कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होंगे या नेचुरल फाइबर होंगे वो पक्का किसी न किसी मोनोमर्स से मिलके ही बने होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉटन के रूप में जो यूज करते हैं क्लॉथ बना, कॉटन फाइबर जो होता है हमारे पास उसका जो यूज़ हम लोग क्लॉथ बनाने में करते हैं वो भी क्या होता है, एक पॉलीमर ही होता है। किसका, सेलुलोज का। मतलब ये कॉटन के लिए जो है यूनिट क्या हो गया, सेलुलोज। अब ये सेलुलोज भी तो किसी न किसी से मिलके बना होगा, ये बना होता है
ग्लूकोज से मिलके, क्योंकि कॉटन जो होता है वो क्या होता है, एक प्लांट फाइबर होता है। अब प्लांट जो होता है, प्लांट जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्युलोज पाया जाता है। और ये सेल्युलोज उसमें बनता कहाँ से है, ग्लूकोज के प्रेजेंस के कारण से बनता है। तो इसी कारण से, चूंकि कॉटन एक प्लांट फाइबर होने के कारण से वहाँ पे प्लांट में सेल्युलोज प्रेजेंट है, और उसी सेल्युलोज से क्या निकल के आता है, कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटन पॉलीमर हो गए उसके लिए जो मॉलिक्यूल होता है जिसका यूज़ होता है वो क्या होता है, सेल्युलोज। और ये सेल्युलोज किस मोनोमर से मिलके बना होता है, वो बना होता है ग्लूकोज से। ठीक है, अब आगे देखिए, सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम चाइना। सिल्क जो है वो सबसे पहले कहाँ ऑब्टेंड किया गया था, चाइना में ऑब्टेंड किया गया था। इससे रिलेटेड आपने एक स्टोरी भी सुना होगा कि जो चीन के जो प्रिंस जो है किंग रहते हैं और क्वीन रहते हैं, एक रोज क्या होता है, जो क्वीन रहती हैं वो एक उनका जो गार्डन रहता है वहाँ पे बैठ के वो टी पी रही होती हैं, और वो जिस पेड़ के नीचे टी पी रही होती हैं वो होता है मलबरी का ट्री होता है। उस मलबरी के ट्री पे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 जो हैं वो सिल्क वॉर्म पाए जाते हैं। वो सिल्क वॉर्म क्या करते रहते हैं, मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं, और अचानक से एक जो सिल्क वॉर्म रहता है जो कि कोकून के फॉर्म में रहता है वो क्या होता है, फिसल के गिर जाता है उनके चाय में। चाय में गिरने के बाद जब वो उनको बाहर निकालती हैं तो उनको वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड के रूप में निकलता है, जिसको जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाती हैं। उनको वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट भी लगता है। तो वहीं से शुरुआत होता है सिल्क का, और ये जो सीक्रेट है सिल्क का वो उस राजा के द्वारा जो है, उस जो क्वीन है, क्वीन के कहने पे उस राजा के द्वारा काफ़ी ईयर्स तक जो है उस सीक्रेट को छुपा करके रखा गया। और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अब सीक्रेट कितना भी बड़ा हो वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद तो आ ही जाता है सामने, तो वो भी क्या, वो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो वैसे वैसे ये लोगों के सामने भी आता गया। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में, मैंने बता दिया कि सिल्क का जो ऑब्टेनेशन जो चाइना में हुआ है वो से रिलेटेड क्या स्टोरी था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट सक्सेसफुली ऑब्टेंड अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब मैंने बताया ना कि जैसे जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे नीडेड भी बढ़ेंगे। अब ये नीड बने बढ़ेगा तो उसको हमको फुलफिल भी करना होगा, और वो फुलफिल के लिए हमको ऑप्शन भी चाहिए। हम एक ही के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हमको कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए होता है। तो हमारे पास तो पहले से नेचुरल फाइबर पर प्रेजेंट था, उसका हम लोग यूज़ भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसी हिसाब से उसका जो है प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए था। तो इसीलिए जो है अब पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए एक साइंटिस्ट के द्वारा जो है सिंथेटिक फाइबर खोजा गया, जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ में कैसा होता था, सिल्क की तरह ही होता था, जिसको हम लोग रेयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयन, चूँकि ये सिल्क प्रॉपर्टीज जैसा ही होता है इस कारण से इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो रेयन होता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, जो नेचुरल सिल्क होता है वो किससे ऑब्टेंड किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो कहाँ पे बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, किसकी हेल्प से, केमिकल हेल्प से, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। जो रेयन होता है, रेयन बेसिकली जो वुड होता है, वुड के पल्प में केमिकल को दे करके फिर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार करके फिर ये बनाया जाता है रेयन, जो कि दिखने में कैसा होता है, कुछ हद तक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क को ही कंटेन, सिल्क के प्रॉपर्टीज़ के जैसे ही कंटेनिंग करता है, इस कारण से इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स था उसको हमने देख लिया। अब हम लोग अलग अलग करके जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसको देखेंगे, पहले रेयन को देखेंगे, फिर नायलॉन, पॉलिएस्टर, इस सब पे धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।